ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा के चमत्कार सुनते हैं, बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि किस तरह बाबा अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, कि भक्त क्या सोचता है और बाबा उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। तो हमारे साथ एक साई भक्त हैं, मदन जी, जो बाबा के भी इंतहा प्यार करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, बाबा की शिरडी धाम में आए हुए हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ बाबा ने यहाँ पर ये 11 दिन से रह रहे हैं, तो बाबा ने क्या चमत्कार किया। तो आइए उनसे सुनते हैं। मदन जी, बाबा ने आपके साथ क्या चमत्कार किया है, और सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से यहाँ आए हुए हैं। ओम साई राम, मैं 24 तारीख से बाबा के चरणों में हूँ, और मैं 2019 से मंगल स्नान का जो अभिषेक जल होता है उसके लिए परेशान था। और परसों की बात है, तो मैंने परसों पंडित जी से कहा, पंडित जी ने कहा मिल नहीं पाएगा। तो आज की डेट में पंडित जी से फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया, हमने पंडित जी थोड़ा सा हमें दे दीजिए। तो पंडित जी ने कहा आगे बढ़ रहा है गुरु स्थान पर, तो गुरु स्थान पर वहाँ पर मैं पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद में हमें ऐसा बहुत भीड़ था, लेकिन हमें वहाँ पे इतना मिल गया, 1 लीटर का बोतल पूरा मिल गया। तो हमने ये सोचा आज कि बाबा ने 4 साल से आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, इतना हुआ। ऐसा बाबा ने चमत्कार किया मेरे साथ में कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता, बहुत खुश हूँ आज। आजकल मतलब यहाँ पर जल मिल रहा है, पहले लॉकडाउन में नहीं मिल रहा था, बंद हो गया, लेकिन अब कब से शुरू हो गया है जल मिलना यहाँ पर। अब परसों भी पंडित जी से कहा, तो परसों पंडित जी ने कहा नहीं मिल पाएगा, आज कहा तो आज भी कहा है कि जाइए गुरु स्थान पर, जाइए गुरु स्थान पर मिल जाएगा। तो मुझे आज गुरु स्थान पर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वहां जब भी पहुंचा तो बहुत भीड़ था, लेकिन हमें 1 लीटर का बोतल मिल गया, बाबा की कृपा से मिला मुझे। क्या बात है, क्या बात है। बाबा ने ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ में आज कि हमने कई भक्तों को मतलब थोड़ा थोड़ा करके हमने अपने हाथों से दिया, और हमारे पास भी 1 लीटर मिला हमें। क्या बात है, कहती है ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये साईं भक्तों, मदन जी के मन में ये था कि कैसी भी तरह मुझे बाबा का जल मिल जाए, कब से तरस रहे थे, लेकिन इनको जल नहीं मिल पा रहा। पहले भी गए तब भी पंडित जी ने मना कर दिया, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पंडित जी अपने आप कहने लगे नहीं कि तुम्हें गुरु स्थान के पास जल जरूर मिलेगा, आप जाओ। और बाबा ने इनको जो जरा से जल के लिए तरस रहे, लेकिन बाबा ने 1 लीटर जल, मतलब 1 लीटर के करीब इनको जल मिला बाबा का। और ये बाबा की लीला है और बाबा की कृपा है। और आप यहाँ कितने टाइम से हैं? मैं घर से चला था 22 तारीख को, 24 तारीख को यहाँ आ गया बाबा के चरणों में, और जब से यहाँ हूँ, और पता नहीं बाबा की कृपा कब तक होगी, कब बाबा यहाँ से भेजेंगे, मुझे पता ही नहीं है। क्या बात है, बाबा जब चाहेंगे तभी यहाँ से जाएंगे। क्या बात है। तो देखिए, मदन भैया के ऊपर बाबा की बहुत रहमत है, बहुत कृपा है, और वो द्वारका माई के आगे बैठे हैं। ये बहुत कहते हैं ना, खुश नसीब लोग होते हैं जो बाबा के सामने ही बाबा का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है बाबा की। तो मैं इनका शुक्रिया करती हूँ, और इनसे भेंट हुई, और मैं बाबा का भी शुक्रिया करती हूँ कि बाबा आपके ऐसे ऐसे भक्त हैं, और अपने भक्तों के साथ आप क्या क्या लीलाएँ करते हैं। तो साईं भक्तों, बाबा पर भरोसा और विश्वास बनाए, जैसे मदन भैया ने बनाया, किस तरह से उन्होंने बाबा पर भरोसा किया। एक और एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं उदी के लिए बहुत परेशान था, और आज की डेट में मेरे घर पे उदी करीब 50 पुड़ियाँ रखी हुई हैं। नीम वृक्ष की जो पत्ती हैं, बाबा की जो मीठी पत्ती है, वो भी कोई मतलब 50 ही होंगी, और मेरे रूम पर भी बहुत सारी पुड़ियाँ और पत्ती, और मेरे मतलब मेरे पर्स में काफ़ी मतलब बाबा की सारी कृपा हमारे, हम कुछ बता नहीं सकते, मतलब सब कुछ दे दिया, एक एक बूंद के लिए अभिषेक जल, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे थे वो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया हमें। क्या बात है। अब थोड़ा सा और कि बाबा कृपा कर दें कि जो एक कष्ट है वो दूर कर दें, बस वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। कहते हैं ना, जब आपकी इतनी सुनी है तो वो भी सुनेंगे, क्योंकि अगर किसी काम में देरी हो रही है तो हो सकता है उस काम में अड़चन ज़्यादा हो, इसलिए देरी हो रही है, लेकिन बाबा वो कार्य ज़रूर करेंगे। जैसे आपने इस पे भरोसा रखा कि बाबा जल मुझे ज़रूर देंगे, उदी प्रसाद देंगे, उसी तरह वो भी आपको फल ज़रूर मिलेगा, और देखना बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी। तो साईं भक्तों, बाबा अनेक तरह से कृपा करते हैं, और अपने भक्तों के ऊपर
उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो अगर आप लोगों के पास भी एक्सपीरियंस हैं तो आप प्लीज़ बाबा का ये एक्सपीरियंस शेयर करें, वीडियो बना के भेजें, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ओम साईं राम, जय साईं राम।